हमारा स्वभाव क्या है, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी एक पोस्चर बताइए जिसमें आप 24 घंटे रह सकते हैं। कोई भी है? हंसते हुए, हंसना तो अच्छी बात होती है, खुश रहते हुए, पीसफुल रह सकते हैं हमेशा, बट बाकी कुछ नहीं। पीसफुल आप हमेशा, ये आपका स्वभाव होता है। स्वभाव जो है ना, आपका स्व का जो भाव है अंदर का, वो पीसफुल है। आप शांत रह सकते हैं हमेशा, सो भी सकते हैं शांति से, शरीर शांत रहेगा। ये तब होता है जब आप इस शरीर की सभी क्रियाओं को देखते रहेंगे। आप जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो भी बहुत दूर है। ये शरीर है फिजिकल बॉडी, इसके नीचे है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी भाव शरीर इस शरीर को देखता है। जब आप भाव को देखने लगेंगे कि मेरे भाव में ये चीजें आने लगी, जैसे गुस्सा आता है या कुछ होता है भाव से, कभी जेलस आया किसी के प्रति, निंदा तो खैर लोग बने ही होते हैं निंदा, अगर ये इसमें जब रस आए आपको, तो देखिए शरीर किस प्रकार का होता है, शरीर में कौन सा रसायन छूट रहा है, शरीर क्यों ऐसा है, शरीर अभी कैसा हो गया, उस टाइम शरीर में क्या हो रहा है, ये है ध्यान। अगर आपको ध्यान में जाना है तो ऐसे ध्यान, ये ध्यान दे रहे हैं ना आप शरीर पे, ध्यान से आप देख रहे हैं इसको। जब भाव दिखे उसके नीचे है एस्ट्रल बॉडी, आकाश शरीर बोलिए उसको, प्राण शरीर बोलिए उसको, उसके नीचे एस्ट्रल, वो फिर भाव को देखने लगता है। ये आपको अंदर की यात्रा होनी, सातवां शरीर है आत्मा। आत्मा बोल के ना यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है। वो तीसरा शरीर है, वो निकलने से ये शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा उसके चौथे शरीर अंदर है, सातवां शरीर होता है आत्मा। ये तो जो हम आप मर जाते हैं वो शरीर निकल जाता है। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं हम, हाँ, जैसे कोई बंदा मर गया वो अपने आप को देख रहा है कि वो बैठ रहा है, तो मैं उसके अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, हाँ, उसने देखा वो कैसे, वो सोल निकली, क्या हुआ, ये शरीर है, इसमें से आप मेडिटेशन से भी आप उसको निकाल सकते हैं, उस शरीर को, यहां तक तो मैं भी पहुंचा सकता हूं लोगों को। मेडिटेशन से आप उस शरीर से निकल सकते हैं, ये शरीर ऐसी है। इस शरीर को अगर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप गए, जन्म भी मिलना मुश्किल होता है उसके बाद। ऐसे लोगों को जन्म मिलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस क्वालिटी की मदद चाहिए, उस क्वालिटी का गर्भ चाहिए, तभी आ पाएगा वो आप। और जब आपका वो शरीर अचानक निकल जाता है शरीर से, तो मृत्यु होती है, ये शरीर खत्म हो गया। वो सोल नहीं है, वो शरीर है। सोल का नहीं समझ, सोल तो उसके और चार शरीर के नीचे हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर सोल जो है ना, सेकंड बॉडी जब निकल के बाहर आ गई तो सोल, सेकंड बॉडी नहीं निकलती, थर्ड बॉडी, थर्ड बॉडी प्राण शरीर, सब प्राण शरीर बाहर आ गया तो सोल अभी है अंदर, सोल उसमें, सोल उसके साथ चली गई, उसमें है, उस एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी में सोल अभी भी ट्रेवल कर रही है। वही पूछ रहा था, उसको कोई डिस्ट्रक्ट कर, कोई खत्म कर सकता है सोल को, कोई कैसे, नहीं बॉडी को, बॉडी को अगर मैं ऐसी निकल जाऊं, आप इस बॉडी को खत्म कर दो तो वो गया, अगर मैं मर जाऊं तो भी वही शरीर निकलता है, ध्यान से भी वही शरीर निकलता है। जो निकल गया वो देवलोक में जन्म हो जाता है उसका, वो महाजीवन में जन्म ले लिया उसने, अभी भी वो शरीर इस गर्भ में है, ये एक गर्भ है उसके लिए, वो जन्म हो जाता है उसके बाद उसका। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ध्यान सिखाने तो आया नहीं, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए क्या होता है, सौभाग्य जो जनरेट होता है ना वो हमारे एथरिक बॉडी पे, इस बॉडी के जब वाइब्रेशन हमें दिखने लगते हैं और जब हम इस फील्ड में जाना शुरू कर देते हैं, तो इसको वैज्ञानिक ने बोला है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स जो है, बीटा वेव्स पे अभी हम लोग हैं, अभी जो है वो बीटा से थोड़े नीचे में है, तो ये बहुत ही शांति छा गई। और जब हम 8 से 14 विचार में होते हैं, 8 से 14 विचार क्या होता है, बीटा वेव्स ब्रेन वेव्स है, उसमें 21 विचार पर सेकेंड हम लोग सोच रहे होते हैं, एक सेकेंड में 21 विचार सोच रहे होते हैं, ऐसा ही, ये साइंस है, ये
ये साइंस है, मैं बोल रहा हूँ ये कोई वेद नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, गूगल करेंगे दो मिनट में आ जाएगा। 21 विचार आप सोच रहे होते हैं और वो अभी यहाँ बैठे हैं, इसलिए यहाँ से बाहर जाते ही 27-28 विचार सोच रहे हैं। और वो सारे बेकार के थॉट्स पर डे की बात नहीं, एक सेकंड में 21 विचार पर सेकंड साइकिलिंग है। ये बीटा ब्रेन बेस पे है जिसपे सिंपल आदमी, अच्छा स्वस्थ आदमी जीता है। जब 35 विचार आ जाए, 30 से 35 विचार, तो वो आदमी पागल होता है। पागल जो डॉक्टर देते हैं ना लिख के, ये पागल है, वो थॉट को ही देखते हैं और तभी देते हैं। 21-28 विचार, 14 से 28 विचार तक आप स्वस्थ, 8 से 14 विचार पे आप अल्फा ब्रेन वेव्स पे होते हैं, तब भी 8 से 14 विचार आपके एक सेकेंड में आपके दिमाग में। थॉटलेसनेस पे हम बोल लेते हैं ना, मैं थॉटलेसनेस हो जाते हैं और ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, आप समझिए थॉटलेसनेस होता है। जब 4 विचार होते हैं तो आप समाधि में, पर सेकेंड की बात कर रहा हूं, समाधि में भी 4 विचार आपके पर सेकेंड आपके दिमाग में आ रहे हैं। गूगल करिएगा अभी, मैं वही सारी ब्रेन वेव्स लिखिएगा सारा आ जाएगा, और 0 में आप थॉटलेसनेस, फिर जो बात होती है वो आप बुद्ध होते हैं, वहां आप भगवान होते हैं, 0 विचार।